हाई एवरी वन वेलकम बैक इन मेहकान बुटिक आई होप गंगल सो गई दोस्ट ट्रेंडिंग हैंड पेंटेड इमजाइनिंग सो नाउ गाइस इन डे इस तरह यहाँ के पाकिस्तानी स्टाइल हैंड पेंटेड दुपट्टा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की डिजाइन भी देखने को मिल जाएगी सो so मुझे इसे डिजाइन करने की काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी सो so, यहाँ पर हमने यमुना ज्यादी के इस आउटफिट से इंस्पायर होकर इस दुपट्टे की डिजाइनिंग करी है एंड गाइस इस वीडियो में हमने दुपट्टे की डिजाइनिंग बताई है बट इसकी जो कुर्ती है इसकी डिटेल डिजाइनिंग वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन में में करी है यू कैन चेक आउट इट सो गाइस इस दुपट्टे को डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा ईजी है बट दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो ऐसे डिज़ाइन करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी डेज लगे हैं बिकॉज इन बिटवीन मुझे और भी आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो बनानी थी एंड ऑल्सो हमने पूरा वर्क नीडल से करा है बिकॉज आई नो हर किसी को आरी वर्क नहीं आता है सो so गाइस अगर आपने इससे पहले कभी फैब्रिक पर पेंटिंग नहीं करा है तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर आउट करा है एंड गाइस एंड में मैंने इसे वॉश करके भी बताया है कि फैब्रिक पेंट निकलेगा या नहीं सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट सी गाइस हाउ आई मेड इट कीप वॉचिंग सो फॉर मेकिंग दिस दुपट्टा फर्स्टली हेयर आई एम यूसिंग टेन मीटर दिस लेस सो दुपट्टे पर कट वर्क करने के लिए मैंने इस लेस का यूज किया है बट आप डिफरेंट डिजाइन की भी लेस यूज कर सकते हो बट मेक श्योर गाइस लेस थोड़ी फ्लेक्सीबल हो ताकि कट वर्क पर लेस इजिली स्टिच हो सके एंड आफ्टर डैट गाइज दुपट्टे के लिए यहाँ पर मैंने टू पॉइंट फाइव मीटर कॉटन और गजा फेब्रिक लिया है सो so, यहाँ पर मैंने कॉटन और गजा फेब्रिक लिया है बट मार्केट में डिफरेंट क्वालिटी के भी ऑरगेंजा फेब्रिक मिलते हैं लाइक अ वायर और गेंजा फेब्रिक जिसके थ्रेड वायर के होते हैं अगर हम उस पर पेंट करेंगे तो वो वन वॉश के बाद निकल जाएगा सो so, यहाँ पर हमने बेस्ट क्वालिटी का फेब्रिक यूज करना है बिकॉज हम इस पर इतनी मेहनत करेंगे एंड आफ्टर वन वॉश अगर वो खराब हो जाता है तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी एंड आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जगह डिफरेंट फैब्रिक भी यूज कर सकते हो लाइक like जॉर्जेट फैब्रिक शिफोन फैब्रिक, नेट फैब्रिक इट इज योर चॉइस सो फर्स्टली गाइज हम दुपट्टे पर कट वर्क करेंगे सो so उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है इसकी विथ है सेवन पॉइंट फाइव इंचेस एंड इट्स लेंथ थ्री इंचेस इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड यहाँ से हाफ इंचेस पे मार्क करके हमने लाइन ड्रॉ करनी है देन ये लाइन से हम टू इंच पर विथ वाइज मार्क करेंगे एंड यहां से लेंथ वाइज वन पॉइंट फाइव इंचेस पे मार्क करेंगे देन नाउ ये दोनों मार्क को इस तरह से जॉइंट करते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है नाउ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे सो आफ्टर कटिंग इस तरह से हमने इसे स्कॉलर इस शेप में कट कर लिया है देन अगेन गाइस यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है एंड इस पर हाफ इंच इस पर लाइन ड्रॉ करी है अब इस पेपर को हमने इस पर हक का शेप ड्रॉ करना है सो so नाउ ये जो हमने मार्क करा है इसे कट करेंगे एंड आफ्टर कटिंग गाइस इसे हम फैब्रिक पर रखेंगे एंड फैब्रिक के कॉर्नर से हम एक स्केलर जितना स्पेस छोड़ते हुए इसे रखेंगे एंड देन हमने इसे फैब्रिक पर ट्रेस करना है सो गाइस देखिए इस तरह से हमने दुपट्टे की पूरी साइड्स पे स्केलर शेप्स ड्रॉ कर लेना है सो दुपट्टे की पूरी तरफ हमने स्केलर शेप ड्रॉ कर लिया है देन आफ्टर डेट गाइस ये जो हमारा दुपट्टे का कोना है इस पर हमने लिफ की तरह शेप ड्रॉ करनी है सो इस तरह की शेप हमने दुपट्टे की फोर साइड्स पर बना लेनी है सो यहाँ पे मैंने टेन मीटर लेस ली है सो इस लेस को हमने इस तरह से कॉर्नर पर रख कर ये जो लिफ शेप ड्रॉ करी है इस पर स्टिच करना है देन इस तरह से हमने लेस को फोल्ड करना है एंड ये जो स्केलर शेप ड्रॉ करी है इस पर हमने लेस को स्टिच करते जाना है सो so, इस तरह से हमने पूरी स्केलर शेप पर लेस को स्टिच कर लेना है सो गाइज यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमने लेस को स्टिच करना है सो so, फर्स्टली हमने ये जो लीफ शेप ड्रॉ करा है यहाँ से हम लेस को स्टिच करने स्टार्ट करेंगे देन ये जो लिप शेप का एंड है यहाँ से हमने लेस को फोल्ड करना है देन स्केलर शेप से हम लेस को ऊपर की तरफ देखते हुए इस पर स्टिच करेंगे सो so, अगर आपको इसे स्टिच करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसे पहले ग्लू से पेस्ट करें देन इस पर आपने स्टिचिंग देनी है सो so, देखने में ये आपको टफ लग रहा होगा, बट इसे स्टिच करना बहुत इजी है ये जो हमने मार्किंग करी है इस पर लेस को रखकर फ्री हैंड से स्टिच करेंगे बहुत ही इजीली स्टिच हो जाएगा सो गाइस देखिए वन बाय वन हम पूरे स्केलर शेप पे लेस को स्टिच कर लेंगे तो so, हमने पूरी बॉर्डर्स पर लेस को स्टिच कर लिया है नाउ लेट्स स्टार्ट द कट वर्क सो उसके लिए यहाँ पर मैंने सिलिकॉन बोर्ड लिया है एंड यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन ली है दिस इज थर्टी फर सोल्डरिंग आयरन एंड इसे मैंने प्री हीट करके रखा है सो so, नाउ सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हमने लेस के साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करनी है सो so, देखिए एग्जैक्ट लेस के बाद से ही हमने इसकी कटिंग करनी है कट वर्क होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आया है सो so, मुझे तो ये ऐसे ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था सो आफ्टर कम्पलीटिंग द वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग सो so, फैब्रिक पर पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने कैमल फैब्रिक का एक्रिलिक कलर का यूज करा है सो so, गाइस ये कलर मेरे पास काफी टाइम से रखे थे एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होगा तो आपको ये पता ही होगा मुझे पेंटिंग एंड कैलीग्राफी करना कितना पसंद है सो नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स ओपन करने पर हमें टेन कलर शेड्स देखने को मिलेंगे सो गाइस मोस्टली एक्रिलिक कलर फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी यूज होता है बट यहाँ पर हमें इतने कलर्स की नीड नहीं है ओनली हमें थ्री कलर्स चाहिए सो यहाँ यहाँ पे हमने थ्री कलर्स पिक करा है व्हाइट रेड एंड ग्रीन एंड गाइस अगर आप इतने सारे कलर्स बाई नहीं करना चाहते हो तो आपको ये सिंगल बॉटल भी इजिली मार्केट में ट्वेंटी टू थर्टी रुपीज की ईच बॉटल मिल जाएगी एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने पेंटिंग ब्रशेस लिए हैं सो गाइस मोस्टली तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ बट जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ सो so उसकी वजह से मेरी पेंटिंग ब्रशेस की हालत थोड़ी सी खराब है तो आप उसे प्लीज इग्नोर करें सो फर्स्ट ये मैंने ब्रश लिया है एंड सेकेंडली यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का फ्लैट ब्रश लिया है एंड थर्डली यहाँ पर मैंने पॉइंटेड ब्रश लिया है इसका नंबर है सिक्स so इतने सारे ब्रशेस बाय नहीं करते हुए आपने सिंगल फ्लैट ब्रश भी बाय कर लिया तो आपका काम हो जाएगा सो फर्स्टली मैंने ये रेड कलर लिया है सो गाइस आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज कैमल फेब्रिक का एक्रेलिक कलर फॉर मल्टी सरफेस पेंटिंग अल्ट्रा आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर सकते हो इट इज योर चॉइस इसके बाद हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे बिकॉज मुझे पिंक शर्ट बनाना है सो so आपको जितना भी लाइट या डार्क शर्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप व्हाइट कलर ऐड करें व्हाइट कलर ऐड करने के बाद ये दोनों कलर्स को अच्छे से मिक्स करेंगे सो so, कलर की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा ठीक है इसे थीन करने के लिए मैंने इसमें वाटर ऐड किया है आप इसमें वाइंडर भी ऐड कर सकते हो बट अगर आपके पास वाइंडर नहीं है तो आप इसमें वाटर ऐड कर ले कोई मसला नहीं है सो जितनी क्वांटिटी में हमने कलर लिया है सेम क्वांटिटी में हमने इसमें वाटर भी ऐड करना है सो so, गाइस फेब्रिक पेंट करते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि की कलर की कंसिस्टेंसी ज्यादा ठीक ना हो सो so, अगर कलर की कंसिस्टेंसी ज्यादा

थी जो हमने फर्स्ट में कलर बनाया था वो बहुत ही ज्यादा थीन था देन सेकेंडली हमने जो कलर बनाया है वो परफेक्ट था नाउ हम दुपट्टे पर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे सो देखिए फर्स्टली मैंने दुपट्टे को फ्रेम में फिक्स करा है एंड आफ्टर डैट मैंने पेंसिल की हेल्प से इस पर पैटर्न ट्रेस करना है सो so, गाइस यहाँ पर बहुत ही इजी फ्लावर्स हमने ड्रॉ करा है जिसे पेंटिंग नहीं आती है वो भी बहुत इजी वे में इसे बना सकते हैं सो so, जो कलर हमने मिक्स करा था उसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे सो so, फर्स्टली हमने फ्लावर की आउटलाइनिंग करनी है देन हमने इसमें कलर फिल करना है सो so, गाइस देखा जाए तो ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इजी है इसमें इतनी डिटेल्स एंड परफेक्शन की जरूरत नहीं है ना ही हमें हम इस इसमें शेडिंग करनी होती है सिंपली फ्लावर एंड लीफ शेप ड्रॉ करके इसमें कलर फिल करना है एंड इस फ्लावर पर मैंने रिसेंट में कलर करा है एंड देखिए ये जो दो फ्लावर ड्राई हुए हैं इनके कलर कितना चेंज हो गया है एंड ये ड्राई होने के बाद काफी ज्यादा हो गया था सो so गैस यहाँ पर मैंने थ्री फ्लावर्स में कलर फिल कर दिया है साइड में हम लिप्स बनाएंगे सो so जिस तरह के लिप्स आपको पसंद हो आप उस तरह के शेप ड्रॉ करके लिप्स बना सकते हो इट इज योर चॉइस सो मैंने अपने अकॉर्डिंग पेंसिल की हेल्प से लिप्स ड्रॉ कर लिया है सो गाइस नाउ हम लिप्स में कलर फिल करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है एंड इसे थीन करने के लिए मैंने इसमें वाटर ऐड करा है अब फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम लिफ में कलर फिल करेंगे सो गई पूरे दुपट्टे की पेंटिंग मैंने वन आवर्स में कंप्लीट किया था बिकॉज हमारे पास एक ही फ्रेम थी इसे ड्राई होने देना था देन उसके बाद हमने नेक्स्ट फ्लावर को फिल करना था इसलिए हमें इतना टाइम लगा Guys, इसे इंस्टेंट ड्राई करने के लिए हमने हेयर ड्रायर का यूज करा है सो so, अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसे ऐसे ही ड्राई होने रख सकते हो बट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था मुझे नेक्स्ट प्रोसेस भी स्टार्ट करना था इसलिए मैंने इसे हेयर ड्रायर से ड्राई करा है सो कम्पलीटली ड्राई होने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे एंड इसके रॉन्ग साइड पर हमने आयरन करनी है सो बैक टू बैक गाइस यहाँ पर मैंने थ्री टाइम्स इस पर आयरन करी है सो so गाइस इस तरह से हमने पूरे दुपट्टे पर पेंटिंग कर लिया है सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो फ्लावर पेंटिंग है एंड प्लेन ऑरगेन्जा है दोनों में से ही हमारा हैंड बराबर से विजिबल हो रहा है सो so पेंटिंग में से अगर आपका भी हैंड विजिबल हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी पेंटिंग परफेक्ट हुई है अगर हमारा हैंड प्लेन ऑरगेन्जा पे से विजिबल हो रहा है बट हमारी पेंटिंग पे से विजिबल नहीं हो रहा है इट मीन्स की हमारी पेंटिंग सही नहीं हुई है एंड एज यू कैन सी गाइस ये जो हमारे ऑर्गेनजा फैब्रिक के थ्रेड है इसमें बराबर से कलर एग्जॉप हो चुका है एंड यू कैन क्लियरली सी गाइस ये बिल्कुल भी पैची सा लुक नहीं दे रहा है एंड यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट पेंटिंग हुई है सो so आप इन दोनों में ही डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में सो so हमें इस तरह का पैची सा लुक नहीं चाहिए सो गाइस दुपट्टे पर हमने पेंटिंग कंप्लीट कर लिया है सो गाइस देखिए फर्स्टली मैंने दुपट्टे पर टू फ्लावर्स बनाया है देन देन इसके सेंटर में में मैंने वन फ्लावर बनाया है साइड्स टू फ्लावर्स बना के इस तरह कंटिन्यू करते हुए पूरे दुपट्टे पे पेंटिंग कंप्लीट कर ली है एंड गाइस मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है सो so नाव हम दुपट्टे पर हैंड वर्क करेंगे सो so, एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर मैंने थ्री डिफरेंट साइज के सिकवेंस लिए है सो देखिये फर्स्ट है ये बिग सिकवेन एंड सेकेंड में यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का सिक्वेंट लिया है एंड थर्डली यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज का सिक्वेंट लिया है एंड आफ्टर डेट यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के बीट्स लिए हैं एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रेंच फायर लिया है सो so मुझे ये 200 हंड्रेड रुपीज की 200 हंड्रेड ग्राम्स मिली थी एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जरदोजी है सो हैंड वर्क करने के लिए मैंने दुपट्टे को फ्रेम में फिक्स कर लिया है सो so देखिये मैंने एक फ्लावर पर स्प्रिंग वायर से आउटलाइनिंग कर ली है इसी तरह हमने सारे फ्लावर पर आउटलाइनिंग करनी है सो so यहाँ पर मैं आउटलाइन करके आपको बता देती हूँ सो so यहाँ पर मैंने निडल लिया है निडल की हेल्प से हम इसे लगाएंगे So, सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्प्रिंग वायर लिया है स्प्रिंग वायर के अंदर हम निडल को इंसर्ट करेंगे एंड थोड़े से डिस्टेंस से हमने नीडल को बाहर की तरफ निकालना है देन देखे निडल को हम इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे स्प्रिंग वायर में से देन निडल को ऊपर की तरफ निकालने के बाद हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगेन निडल को बैक पर निकालना है सो so, इस तरह से छोटे छोटे स्टिचेस से हमने स्प्रिंग वायर को लगाना है सो गाइस मोस्टली फ्रेंच फायर को आरी नीडल से लगाया जाता है बट हर किसी को आरी वर्क नहीं आता है सो so गाइस जिस तरह से आरी वर्क से स्प्रिंग वायर को लगाया जाता है मैंने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए नीडल से इसे लगाया है आरी से स्प्रिंग वायर स्पीड से लगती है बट नीडल में थोड़ा सा वर्क लगता है सो so गाइस नीडल से बहुत सारे वे में हम इसे लगा सकते हैं बट ये तरीके से लगाने का ये मकसद है की इसके थ्रेड ऊपर विजिबल नहीं हो गए एंड गाइस ये जो नीडल है हमने स्प्रिंग वायर से पूरी ऊपर की तरफ नहीं निकालनी है स्प्रिंग वायर के बीच में से निकालनी है सो so, इस तरह हाँ से हमने स्प्रिंग वायर से पूरे फ्लावर की आउटलाइनिंग कर लेनी है सो so, यहाँ पर हमने पूरे फ्लावर की आउटलाइनिंग कर ली है एंड गाइस अगर आपके लिए स्प्रिंग वायर लगाना थोड़ा सा टफ है सो so आप इस तरह हाँ से आर्य नीडल की हेल्प से कट बिट भी लगा सकते हो सो बेसिकली यहाँ पर हम कट बीट से फ्लावर की आउटलाइनिंग करेंगे so, सो कट बीट तो बहुत ही इजीली ईजीली आरेंज डल से लग जाते हैं बट जरदोजी को हमें लगाने में बहुत ही मुश्किल आती है सो so, इस तरह से आप कट बीट से भी फ्लावर की आउटलाइनिंग कर सकते हो ये भी काफी अच्छा लुक देगा एंड ऑलमोस्ट दोनों का लुक सिमिलर ही आएगा सो so, फ्रेंड्स अगर आपको कट बीट एंड स्प्रिंग वायर लगानी नहीं आती हो या फिर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी शॉर्टकट है सो अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना हैं और आपको ये बनाना भी है सो so, ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए ही है सो गाइस दिसनर सो ये मुझे ट्वेंटी जस्ट आपको दिखाने के लिए लिया है तो so, देखिए इससे भी हम फ्लावर की आउटलाइनिंग कर सकते हैं एंड गाइस काफी सारे लोग फ्लावर की आउटलाइनिंग करने के लिए पेंट का भी यूज करते हैं बट ये थ्री डी आउटलाइनर है आई थिंक ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है सो so, देखिये मैं यहाँ पर आपको इससे फ्लावर बना के दिखा देती हूँ किस तरह से हमारा लुक आएगा सो so गाइस मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है अब हम इसे कुछ टाइम ड्राई होने रखेंगे सो so देखिए ये ड्राई हो गया है एंड इसे ड्राई होने में काफी ज्यादा टाइम लगा था एंड कुछ इस तरह का इसका लुक आया है सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको थ्री ऑप्शंस बताए हैं सो so गाइस दिखाने का मकसद सिर्फ ये था की आप डिफरेंट डिफरेंट वे में भी इसे बना सकते हो सो so गाइस आप जिस तरह का काम करेंगे उतना अच्छा लुक आएगा जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको लुक मिलेगा सो फ्लावर की आउटलाइनिंग कम्पलीट होने के बाद हम इसे फ्रेम में से निकाल एंड इसे फ्रंट एंड बैक से देख सकते हो हमने इसे कितना नीटली लगाया है ये जो हमने वर्क करा है इसे हम फ्लैट करेंगे इसे पिता वर्क कहा जाता है सो so, पिता वर्क करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये फ्लैट किया जाता है सो so, मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था इसलिए मैंने ये पेपर वेट लिया है इसकी हेल्प से हम इसे फ्लैट करेंगे सो गाइस यहाँ पर हमारा मकसद इसे फ्लैट करना है सो so, आप कोई भी हैवी चीज की हेल्प से इसे फ्लैट कर सकते हो सो so गाइस इसे फ्लैट करने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आ रहा था अब अगेन हम दुपट्टे को फ्रेम में फिक्स करेंगे देन इस पर हम वर्क करने स्टार्ट करेंगे सो so फर्स्टली मैंने फ्लावर के सेंटर से नीडल को ऊपर की तरफ निकाला है देन नीडल में हमने एक बिग सिकवेन एंड पर्ल डालना है देन पर्ल को अवॉइड करते हुए हमने सिकवन के सेंटर से नीडल को बैक पर निकालना है एंड देखिए मैंने यहाँ पर जरदोजी के छोटे छोटे पीसेस किए हैं सो so, देखिए इसके साथ हम एक सिकवेन लेंगे सो so, इन दोनों को निडल में डालने के बाद निडल को बैक पर डालना है so, देखिए इस तरह से हमने ये लाइन बनाई है इस तरह से हमने एट लाइंस और बनानी है सो गाइस देखिए मैंने ये सब मटेरियल यूज करके ये वर्क करा है आप डिफरेंट मटेरियल यूज करके डिफरेंट डिजाइन भी कर सकते हो इट इज योर चॉइस आपको किस तरह से इसे डेकोरेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो तो देखिए हमने सेंटर में इस तरह से फ्लावर बनाया है अब हम इसके पेटल्स को डिजाइन करेंगे सो तो देखिए फर्स्टली यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज का सिकवेंट लिया है एंड एक जरदोजी का पीस लिया है अब नीडल को हमने बैक पे निकालना है अब देखिए ये जो हमने लाइन बनाई है इसके साइड से हम नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड अगेन मैंने सिकवेंट के साथ जरदोजी लिए हैं सो तो देखिए इस तरह से हमने क्रिस क्रॉस करते हुए एक पैटर्न बना लेना है सो so, देखिए मैंने इस तरह से एक पेटल पर डिजाइन बनाई है सेम डिजाइन हमने सारी पेटल्स पर बना लेना है सो so, इस तरह से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है नाउ हम सेकेंड फ्लावर को रेडी करेंगे सो गाइस देखिए इस फ्लावर के पेटल पर मैंने छोटा पैटर्न बनाया है एंड गाइस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने इसकी लीफ को डिजाइन करना है सो गाइस टू बी वेरी ऑनर्स इसे पेंट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगा था बट इस पर वर्क करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम एंड मेहनत लगी है सो गाइस देखिए इस तरह से मैंने एक फ्लावर बंच को डिजाइन किया है सिमिलरली हमने पूरे दुपट्टे के फ्लावर बंच को रेडी कर लेना है सो so गाइस आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा इतनी मेहनत करने के बाद ये पेंट वॉश करने पर निकल तो नहीं जाएगा सो so गाइस इस फैब्रिक पर मैंने कलर टेस्ट करा था सो so नाउ यहाँ पर मैं आपको इसे वॉश करके भी दिखा देती हूँ सो so, देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से वॉश करके दिखा रही हूँ मैंने इसे बहुत ज्यादा स्क्रब भी करा है बट स्क्रब करने पर भी ये पेंट नहीं निकला सो so गाइस जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसे थ्री डेज वॉश नहीं करते हैं सो आफ्टर थ्री डेज मैंने इसे वॉश करा है सो एज यू कैन सी गाइज मैंने कितना स्क्रब करके इसे वॉश करा है एंड मैंने इसे स्क्रैच भी करा है ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है मैंने इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करा है एंड आप वाटर को भी देख सकते हो कितना क्लीन है अगर ये कलर निकलता तो वाटर का भी कलर चेंज हो जाता एंड आप इसका कलर भी देख सकते हो ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है सो so यहाँ पर मैंने आपको वॉश करके दिखा दिया है ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए एंड गाइस फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद हमारा दुपट्टा कम्पलीट हो गया है एंड आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स ये कम्पलीट होने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा था एंड गाइस मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुई इस दुपट्टे को डिजाइन करके सो गाइस कमेंट में जरूर बताएं आपको ये दुपट्टे की डिजाइनिंग वीडियो कैसे लगी एंड दुपट्टा कैसे लगा एंड गाइस कैमरे से ज्यादा ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था आई डोंट नो वाय शायद कैमरे की क्वालिटी की वजह से हो रहा हो या फिर लाइटनिंग की वजह से आई डोंट नो बट रियलिटी में जो लुक दे रहा था ना आई कांट एक्सप्लेन यू एंड गाइस इस कुर्ती की डिटेल डिजाइनिंग वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन करी है यू कैन चेक आउट इट एंड ट्राउजर की भी मैंने डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो मेंशन में कर दी है डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी चेक जरूर कर लीजिएगा सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो Also enable the bell icon by subscribing to Aura Channel Khan Boutique so that you get upcoming videos notification first thank you so much for watching bye